फिर मैं इस संडे के बाद लास्ट फरवरी के आपको बताऊंगा, मार्च और अप्रैल के लिए परमेश्वर की क्या योजना, फिर मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये पूरा साल आपके लिए खुदा ने मेरी सोच से भी ज्यादा बेस्ट कर दिया। बस तैयार रहना, तैयार रहना। मैंने कहा मेरी सोच से भी खुदा ने ज्यादा कर दिया, इतने सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने कहा इतने सालों में कभी नहीं ऐसा हुआ, और वो भी प्लान से, खुदा की योजना के तहत हो रहा है। ऐसे नहीं मन में आ रहा है, किसी को देख रहे, वो प्रार्थना कर रहे, हम भी करें, सारा कुछ पूरी तरह से टोटली खुदा की ओर से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, सबको जय मसीह की। खुदावंद आप सबको आशीष दे। जैसा कि अभी अभी आपने इस वीडियो क्लिप में देखा, जो परमेश्वर ने मेरी अगुवाई करके अपने लोगों की उन्नति के लिए, छुटकारे के लिए, उनकी आशीष के लिए, उनके बढ़ने के लिए ये प्रोफेटिक, ये भविष्यवाणी का वचन मुझे दिया इस फरवरी महीने के लिए, और उसके बाद ये जो फरवरी की मीटिंग्स है, फिर इसमें जितनी प्रेयर्स है, फिर परमेश्वर ने मुझे कहा कि जो मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो ये संडे है ना, ये संडे और ये नेक्स्ट संडे, ये तो फरवरी के महीने के लिए, उसके बाद मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त पूरा दिसंबर के महीने था। तो मैंने कहा था मैं आपको बताऊंगा कि आगे क्या करना है। तो उसके लिए ये है कि हम हर प्रभु भोज की मीटिंग के बाद हर महीने में एक हफ्ते की प्रार्थना रखेंगे, और मेरा विश्वास है खुदावंद अपने लोगों को बड़ा ही ब्लेस करने वाले, बहुत उन्नति में लेकर जाने वाले। और जितने भी इस मीटिंग को भी वॉच करते हैं, खुदावंद उन्हें भी बड़ी आशीष देगा, उन्हें भी बड़ा बढ़ाएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा जो वचन परमेश्वर की ओर से है, लुका 21:37 में प्रभाव रहत नहीं प्रभावशील है। तो जो वचन खुदा ने स्वर्ग से दिया है, मेरा विश्वास है कि जितने लोग इसे शांत से पूरा करेंगे, ये 2024 उनके लिए बड़ी उन्नति, छुटकारे और आशीष और बरकत का कारण बन जाए। अब बड़े रिजल्ट को देखोगे यीशु मसीह के नाम से। तो ओके, इस वीडियो को पूरा आप देखना, इस वीडियो को, इसमें बहुत सी बातें हैं जो आपको बड़ा ही उत्साह देगी ना। तो परमेश्वर आपको बरकत दे यीशु मसीह के नाम से। ओके, आपको ये इस हफ्ते जो कल शुरू होगा, इस हफ्ते हम प्रार्थना नहीं रखेंगे, जो इस संडे के बाद जो दो हफ्ते फरवरी के बाकी हैं, वो उन दोनों हफ्तों में लगातार प्रेयर चले। तुम दो आओ, तुम एक आओ, पर सब आना, सब छुट्टी करके आना। तुम एक छुट्टी कर सकते हो, तुम दो कर सकते हो, ये परमेश्वर से प्रार्थना करो तुम। पर यहां पे आने वाला एक भी व्यक्ति ना हो जो आए ना इन दो हफ्तों में, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने बच्चों को लेकर आना। जब हम बीमार होते हैं तब भी छुट्टियां होती कि नहीं होती? जब रिश्तेदारों में शादियां होती हैं, जो लोग इस दुनिया में चले जाते हैं उनके पीछे जाते हैं हम छुट्टियां करके, जाते कि नहीं जाते? जाते हैं ना। तो इन दो हफ्तों में चाहे तुम एक दिन आओ, दो आओ, जैसे भी कर सकते हो, जितना भी कर सकते हो खुदा का, क्योंकि उसी हिसाब से वो आपको फल भी देगा। बोलो क्या करेगा? पर यहां पे आने वाला एक भी जन, क्योंकि ये भी एक प्रोफेटिक है फरवरी के महीने के लिए, उसके बाद एक तो मीटिंग्स का, बोलो क्या है, एक तो ये मीटिंग्स का जितनी भी अभी दो हफ्ते और पड़े, दो संडे और है ना हमारे फरवरी के, तो दो हफ्ते और हैं। सुनो, इन दो हफ्तों में एक भी जन, अगर आपके परिवार में कोई मेंबर है उसको भी लेकर आना। मुझे नहीं पता, पर परमेश्वर जो वचन उसने मुझे दिया आपके साथ, वो कुछ खास करने वाला है। मैंने कहा कुछ खास वो आपके साथ करने वाला है। दो जो संडे बाकी बचे इस फरवरी के, सबको समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? सबने वचन सुना? सबने सुना है? हाथ हिलाओ, क्या सुना है?
एक तो प्रेयर, फिर उसके बाद प्रेयर शुरू हो जाएगी इस संडे के बाद। आना, सब आना, कोई भी नहीं, एक आओ दो आओ करो, ये खुदा का वचन है। फिर मैं इस संडे के बाद लास्ट फरवरी के आपको बताऊंगा मार्च और अप्रैल के लिए परमेश्वर की क्या योजना, फिर मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये पूरा साल आपके लिए खुदा ने मेरी सोच से भी ज्यादा बेस्ट कर दिया। बस तैयार रहना, तैयार रहना। मैंने कहा मेरी सोच से भी खुदा ने ज्यादा कर दिया, इतने सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने कहा इतने सालों में कभी नहीं ऐसा हुआ, और वो भी प्लान से, खुदा की योजना के तहत हो रहा है। ऐसे नहीं मन में आ रहा है, किसी को देख रहे, वो प्रार्थना कर रहे हम भी करें, सारा कुछ पूरी तरह से टोटली खुदा की ओर से। अब देखना, अगर आप आत्मिक हो तो फिर आत्मिक बातों पर मन लगाओगे, अगर आप शारीरिक हो तो फिर शरीर पे लगाओगे। फिर आप सोचोगे नहीं जी, अच्छा कैसे जाएं जी, काम है, छुट्टी नहीं, ये वो। खुदा को बोलो, नहमिया ने जब परमेश्वर के लिए इसराइलियों के जब वो फाटक जल गए तो उसने प्रार्थना की, किसके आगे की? इसलिए यर्मिया 33:3 में लिखा है उससे प्रार्थना कर। क्या कर? परमेश्वर कहते मुझसे प्रार्थना कर, जो बातें कठिन है बड़ी है मैं तुझे बताऊंगा, मैं तुझे उत्तर दूंगा। यहां पे भी आपको औखा लगता, परमेश्वर से प्रार्थना करो। अगर नहमिया के लिए परमेश्वर रास्ता खोल सकता है तो आपके लिए नहीं खोलेगा? मैं क्या कहता हूं, आपके लिए नहीं खोलेगा रास्ता, वो सबके लिए खोलेगा। अगर वो लाल समुंदर को दो भाग कर सकता है तो खुदावंद आपको एक दो चार दिन की छुट्टियां नहीं दे सकता, वो सब कुछ है। अगर छुट्टियां करोगे तो खुदावंद उसका भी आपको फल देगा। ये नहीं आगे आपकी दिहाड़ी टूट गई, आपके किसी ने तनख्वाह से पैसे काट लिए, उससे डबल ट्रिपल चार गुना करके देगा। मैंने कहा वो चार गुना करके देगा, ऐसे नहीं दिहाड़ी टूट गई नुकसान हो गया, चार गुना करके देगा, चार गुना। आमेन, हालेलुया। फिर मैं इस संडे के बाद लास्ट फरवरी के आपको बताऊंगा मार्च और अप्रैल के लिए परमेश्वर की क्या योजना, फिर मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये पूरा साल आपके लिए खुदा ने मेरी सोच से भी ज्यादा बेस्ट कर दिया। बस तैयार रहना, तैयार रहना। सोच से भी खुदा ने ज्यादा कर दिया, इतने सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने कहा इतने सालों में कभी नहीं ऐसा हुआ, और वो भी प्लान से, खुदा की योजना के तहत हो रहा है। ऐसे नहीं मन में आ रहा है, किसी को देख रहे, वो प्रार्थना कर रहे हम भी करें, सारा कुछ पूरी तरह से टोटली खुदा की ओर से।